अस्सलाम वालेकुम, आप सब खैरियत से होंगे। तो अफ्तारी की तैयारी में होंगे। मैं आपके लिए क्विक रेसिपी लेके आई हूँ, मटर पुलाव विद पुलाव क्यूब्स। अब इसमें प्याज डालेंगे, हम लोग बड़ी कहते हैं, कोई बड़े नहीं कहते प्याज को, कोई लोग बड़ी प्याज, कोई बड़ी प्याज कहते हैं, नहीं नहीं कोई लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं बड़ी प्याज है, कोई कहते हैं बड़ा प्याज है। अब ये मुजक्कर है या मुन्नस है, इसकी जेंडर हमने नहीं पता। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं भी, अरे ये तो बहुत बड़ी प्याज है, बहुत बड़ी है या बड़ा है, वह हल है या नहीं है। प्याज तो बहुत बड़ी अब है। जैसे कुछ लोग दही को बोलेंगे दही खा लिया या दही खा लिया। अब इसका जो है प्याज फ्राई करके हमने निकाल ली। अब इसके अंदर डालेंगे 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, इसके साथ ही डालेंगे ये मटर फ्राई कर लेंगे, इसके साथ ही डालेंगे गरम मसाला, काली मिर्चें, ये बादियान, बादियान के फूल भी डालेंगे, ये दालचीनी, ये फ्राई हो जाएंगे साथ साथ, मतलब साथ इसके डाल देंगे ये 2 चम्मच नमक डालेंगे, लेकिन उसके बाद फिर आप देख लें कि आप ज़्यादा या कम है, वो फिर आप अपने हिसाब से कर लें। थोड़ी सी हल्दी पाउडर, बस ये मटर भी गल गए हैं साथ साथ, वो इसका मसाला भी तैयार हो गया साथ इसके, ये जो फ्राई किया था प्याज ये भी डाल देंगे ताकि वो चावलों का कलर निकल आएगा। अभी जब ये बिल्कुल इसका घी निकल आएगा, मसाला भून के तैयार हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर दही डालेंगे और फिर इसे थोड़ा सा भून के तो फिर इसके अंदर चावल डाल देंगे, और ये इतना मज़े का टेस्टी हल्का फुल्का बच्चों की पसंद का और बहुत जल्दी बनने वाला पुलाव ये तैयार हो जाएगा, आधा घंटा लगेगा बस। इसके अंदर 2 ग्रीन दही भी ऐड कर देंगे, आधी प्याली दही, अभी ये थोड़ा सा ऑयल रिलीज कर दे, फिर हम इसके अंदर पानी डालेंगे। ये मटर हमारे गल चुके हैं, ये देखिए। अब इसमें जितने चावल थे 3 कप 6 कप पानी डाल देंगे, इसी पानी के अंदर एक पुलाव क्यूब डालेंगे, ये
इसके अंदर काली मिर्च डालेंगे थोड़ी सी, मिर्च काली मिर्च का पाउडर इसमें डालेंगे, थोड़ा गरम मसाला, इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, थोड़ा जीरा जाएगा, और सब इसको एक बाल आने तक इसको पकने, चावल चले गए अब इस पानी में, पानी को उबाल आ चुका है तो अब इसमें चावल डाल देंगे। अब इस स्टेज पे आप इसका नमक वगैरह, इसकी मसाला, इसका जितनी आपने रिक्वायरमेंट है उतना आप इसका मसाला थोड़ा सा इसका ये लेके तो इसे थोड़ा सा चख लें ऐसे स्पून में, तो अगर कम लगे तो आप ज़्यादा उसको खुद से ठीक कर लें। हमारे मटर पुलाव विथ पुलाव क्यूब बन के तैयार हो गए, कैसा ज़बरदस्त बना है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई करना, इसमें आपको बहुत ही टेस्ट आएगा इसका।